बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज तक साइंस ने ऐसे हैरान कुन जनरेटर पैदा किए जो बहते हुए दरियाओं के पानी से बिजली पैदा करते हैं, जो हवाओं की तेज रफ्तारी से बिजली पैदा करते हैं, बारिश के बरसते हुए कतरों और सूरज की चमकदार धूप से बिजली पैदा करते हैं। ऐसे भी जनरेटर ईजाद किए जो इंसानों के चलने और इनके शोरोगुल से भी बिजली पैदा करते हैं। लेकिन अब एक हैरानकुन बात यह है कि साइंटिस्ट ने ऐसा जनरेटर तैयार किया है जो साये से बिजली पैदा करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दी। वी कैन हार्वेस्ट एनर्जी एनीवेयर ऑन अर्थ, नॉट जस्ट ओपन स्पेसेस। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के मटेरियल साइंटिस्ट स्वी चिन टैन का कहना है, हम जमीन पर कहीं से भी बिजली पैदा कर सकते हैं, ना के सिर्फ खुली जगहों पर। उनका कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब साए और रोशनी आपस में मिलकर बहुत बड़ी मकदार में एनर्जी फराहम करेंगे। उन्होंने एक ऐसा आला इजाद किया है जो रोशनी और साए के मबैन इतजाद से बिजली या करंट पैदा करता है। कैन और उसकी टीम ने जो आला क्रिएट किया है उस आले को नाम दिया है शैडो इफेक्ट एनर्जी जनरेटर SEG। कैन और उसकी टीम ने आम सोलर सेल लेकर उसके सिलिकॉन मटेरियल के ऊपर सोने की इंतहाई बारीक तह को बिछा दिया और ये सारा निजाम एक इंतहाई लचकदार और ट्रांसपेरेंट शफाफ किस्म की प्लास्टिक के ऊपर तरतीब दिया गया। सोने के इस तह की वजह से शैडो इफेक्ट एनर्जी जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जैसे ही इसे साए में रखा जाता है। टैनर्स की टीम ने 15 अप्रैल को ये बात शाया की कि जब शैडो इफेक्ट एनर्जी जनरेटर को ऐसी जगह पर रखा जाए जहां पर रोशनी और साया दोनों मौजूद हों तो ये करंट पैदा करता है। वो लिखते हैं कि असल में होता ये है कि जो हिस्सा लाइट या रोशनी में पड़ा होता है उस हिस्से के वोल्टेज बढ़ते हैं क्योंकि उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, जबकि जो हिस्सा अंधेरे में या साए में पड़ा होता है उस हिस्से के वोल्टेज कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्साइटेड एरिया से कम एक्साइटेड एरिया की तरफ हरकत करते हैं। उन्होंने इस सारे इलेक्ट्रॉन के बहाव को एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़कर एक गैजेट को करंट फ्राहम किया। टैन और इसकी टीम का ये कहना है कि इस डिवाइस को गाड़ियों, इंसानों और जानवरों की निगरानी के लिए बतौर सेंसर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसे सिक्योरिटी इंतजामात के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि चीजों को चोरी होने से बचाया जा सके। उनका कहना है कि ये एक ऐसा खुदकार निजाम है जिसको कैमरों और रेक्टिफाइड सिस्टम के अंदर भी नस्ब किया जा सकता है। टैन का ये कहना है, गुंजान आबाद तमीर शुदा शहरी इलाकों और जगहों पर लोगों की एक बड़ी तादाद की नकलो हरकत के साथ साथ साये डलने की काफी गुंजाइश मौजूद होती है। इस तरह के आले लगाकर हम बहुत बड़ी मकदार में एनर्जी को पैदा कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि ये जनरेटर फलकबोस इमारतों के ऊपर और घरों के अंदर बगैर किसी खर्चे के बिजली पैदा करने का जरिया बन सकते हैं। उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि साए बेकार और बेफायदा है। शायद अब हमने ये साबित कर दिया है कि हम साए से भी एनर्जी पैदा कर सकते हैं।